सीतापुर में एक तरफ केंद्र व प्रदेश की सरकारें नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाखों करोड़ों खर्च कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के द्वारा नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीतापुर जनपद के एक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विद्यालय के गेट में ताला लटक रहा है और बच्चे विद्यालय के बाहर खड़े होकर गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब हो, वायरल वीडियो हरगांव क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय नेवादा का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका संज्ञान भाजपा के झरेखपुर मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी से फोन के माध्यम से शिकायत करने का प्रयास किया तो कई बार फोन नहीं उठा। वहीं कुछ समय बाद खंड शिक्षा अधिकारी हरगांव से फोन के माध्यम से शिकायत करने का प्रयास किया गया तो फोन स्विच ऑफ आया। वहीं मंडल अध्यक्ष ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। ये हमारे हरगांव विकास खंड के ग्राम नेवादा में प्राइमरी व जूनियर विद्यालय कंपोजिट दोनों हैं, कंपोजिट दोनों ही विद्यालय हैं। वहाँ पर्दे आए दिन ही टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, वहाँ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। वो हमेशा समय के टाइम विद्यालय खुलने से के बाद ही पहुँचते हैं। बच्चे आकर के पहले वहाँ खड़े हो जाते हैं, गेट में ताला पड़ा रहता है। इस प्रकार शासन सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग जो अध्यापक लोग हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी, आपके मंडल क्षेत्र का ही मामला है, गवर्नमेंट भी भाजपा की है, उसके बारे में आपने कोई संज्ञान लिया, कोई शिकायत की? नहीं, मैंने आज जब उधर थे, मैं आज गुजरा तो बच्चे गेट पे काफी लोग बच्चे खड़े थे। मैंने एक वीडियो भी उसका बच्चों का बनाया, बच्चों से पूछा भी, बच्चों ने कहा मैं आधा घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कोई विद्यालय में नहीं आया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।